नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। जिस तरह का गुस्सा लोगों में पाकिस्तान को लेकर रहता है, कुछ इसी तरह का गुस्सा इस वक्त चीन के खिलाफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां चाइनीज सामानों का बहिष्कार हो रहा है, तो वहीं कनपुरिया लोगों ने तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ही बहिष्कार करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल। इसी गुस्से का असर यूपी के कानपुर में देखने को मिला, जहां लोगों ने प्रतीकात्मक तौर पर पूरे विधिवत तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अंतिम संस्कार कर दिया। सौ यात्रा हम लोगों ने चीन के प्रधानमंत्री का निकाला है। जिस तरीके से चीन ने हम लोगों के साथ, भारत के साथ धोखा किया है, उसी उस पर हम लोगों ने ये उनका आरती निकाला है विधि विधान से। ये दोगला इसका काम रहा, ये हमेशा भारत के साथ छल करता चला आया है और आज भी छल करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया है। हम लोग उन परिवार के सैनिकों के परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोगों को ताकत है, हिम्मत मिलने, हम लोग खुद मुकाबला करने के लिए खड़े हुए। कानपुर में जहां जिनपिंग की शव यात्रा निकाली गई, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने गधों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रक्षा मंत्री की फोटो पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद भी फिलहाल हालात जस के तस बने। अब तक की बातचीत भी बेनतीजा रही। चीन का दुस्साहस देखते हुए बुधवार को पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि अगर कोई उकसाएगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।